What's up is down, what's left is right. यहाँ देखिए, यहाँ लगे हैं हनी बॉक्स। इसमें सब में मधुमक्खियाँ हैं, और ये लोग होते हैं राजस्थान से। जैसे राजस्थान में आजकल कोई फ्लावर नहीं होता है, और आजकल यहाँ पर साल का फ्लावर होता है, लिप्टिस का होता है, और जामुन का फ्लावर होता है। देखिए, जैसे सामने जामुन का पेड़ है, ये मधुमक्खियाँ लगी हैं ना ये फ्लावर पे, तो आजकल जामुन का होता है और सिल्वर का होता है। तो बहुत सारे फूल होते हैं इस वाले एरिया में आजकल, तो इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं आजकल। और ये स्टोर है, ये खाली बॉक्स हैं अभी। और ये होता है इनका शहद निकालने वाला। इसके अंदर जो स्लाइड जो होते हैं, ये वाली स्लाइड, ये वाली है तो नहीं कुछ, ये इसको ऐसे निकाल के और फिर इसमें फिक्स किया जाता है। रुक, बंद कर। इसको ऐसे फिक्स किया जाता है इसमें ऐसे, और फिर इसको काफ़ी तेज़ घुमाया जाता है ऐसे करके इसको। फिर इसमें शहद नीचे इकट्ठा होता है, ये इसका मशीन है। और ये इसमें मोम होता है, इसमें भरी जाती है ऐसे हनी, मधुमक्खी इसको फिल करता है। और फिर जो यहाँ पे ये लगा हुआ है डांट, इसको ओपन करके फिर यहाँ से शहद बाहर आता है। इसमें ये ग्रावी बना हुआ है, इसमें किसी दिन आऊँगा जिनका ये है, तो आपको रानी दिखाई जाएगी मधुमक्खी की, जो रानी होती है जो पूरे इसके ग्रुप को लीड करती है, वो आपको दिखाएंगे। हो सकता है 2-3 बॉक्स मैं भी ले लूँ इनसे बाद में, जब ये लोग यहाँ से जाएंगे तो 2-3 बॉक्स हम ले लेंगे इनसे। शहद वाले भैया, भैया शहद मिलेगा? शहद हाँ मिलेगा। प्योर मिलेगा मिलावट वाला? अभी तो इसमें मिलावट कर रहा हूँ पहले। क्या डालोगे मिलावट में? गुड़ या चीनी? चीनी का वो बनाऊंगा, चीनी की चाय बना के फिर बेचूंगा। चीनी डाल के शहद निकालेगा। क्या रुपए किलो होगा फिर? नमस्ते, 250 रुपए किलो। प्योर शहद 250 रुपए किलो? चीनी खिलाऊंगा 250 रुपए किलो। प्योर शहद कम से कम 600-700 रुपए किलो है, चीनी वाला तो 250 रुपए का सही है, कोई नुकसान नहीं होगा। तो खाने वाले को कोई फायदा नहीं होगा? कोई फायदा नहीं होगा, ये हमारी गारंटी। चलो जी चलते हैं। पे एक पौधा मिला हमें, और ये कई टाइम से देखा, लेकिन आज मैंने इसको, मैं पैदल था तो तब देख रहा हूँ इसको। मैं हिमांशु से पूछा कि ये काहे का है, इसे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो अब मैं इसको ये बता रहा हूँ कि हम गूगल क्रोम से भी हम पता लगा सकते हैं कि किस चीज़ का पौधा है। तो इसको करेंगे हम सर्च, इसको ऐसे। अब क्या दिखाता है ये? अरे वाह, देख दिखा दिया ना। स्लोनम है, सफ़ेद फूल है इसका? हाँ ये है, हाँ यही है, ये इसका सफ़ेद फूल है, ये सफ़ेद फूल। स्लोनम क्या काम आता है ये, इतना तो हमें भी नहीं पता। इसका देखा जाएगा फ्री टाइम में। अच्छा हाँ, बता तो आपको कि एयरपोर्ट जाना है छोड़ने के लिए। चलो जी, मिल गया हमको ऑटो, हम निकल रहे हैं। हमको ऑटो से पहुँच ही गए हैं लगभग। अच्छा थैंक यू। अरे इतना पानी आपने? नहीं मैंने इतना थोड़ा ना मंगवाया था, दो पेटी मंगवाया था, 10 पेटी लिखवा रखा है। दो पेटी किसने कहा? अंकल आए थे पिकअप लेके?
अरे दस मैंने थोड़ा लिखवाया था यार, तुमने दो बेटे लिखवाया था। मैंने लिखवाया नहीं था, मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया था पानी का, परसों ही तो ले आए तीन पेटे। ये ताऊ जी लोगों का सेरा है, तो वो गए हैं मालधन शादी में, तो इसकी ड्यूटी आजकल मेरी लगी हुई है इसको घुमाने की सुबह शाम। और देखिए उधर घर पे लिखा हुआ है एयरटेल, एयरटेल द स्मार्टफोन नेटवर्क। स्पीड तो दे रखी है लेकिन नेटवर्क नहीं है। तो शॉप पे आए हैं महेंद्र सिंह जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया। और ये इनकी मैडम। नमस्ते मैम। नमस्ते। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम है एलिजाबेथ। आपका? विनी। विनी, तो कहाँ स्टे कर रहे हैं सर आप लोग? हमने किया वाइल्ड, कॉर्बेट वाइल्ड। कॉर्बेट वाइल्ड में देखा कुछ अभी, शायद मोहान तक गए थे आप? वहाँ जोन गए थे लेकिन आज साइटिंग। आफ्टरनून मॉर्निंग? आफ्टरनून में गए थे। अच्छा, नहीं दिखा, पर बता रहे हैं कि फाटो में बहुत अच्छी साइटिंग हो रही है। अब तक तो हो रही थी, हम गए पता नहीं कहाँ भाग गए। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो कॉर्बेट में ही है, शायद दिख सकता है। तो मोहान तक गए थे अभी, दिखा कुछ? मोहान तक तो दिखा नहीं, लेकिन जब सुबह जा रहे तब वहाँ कॉलिंग हो रही थी। हाँ, नजदीक ही था वो सामर डियर। अच्छा, आज मॉर्निंग में ना? हाँ, ठीक ठीक। थोड़ा वेट भी करा हमने। अच्छा, बहुत बढ़िया। और जंगल में एक ही शेर रहता है ना? हाँ, चले गए तो। हाँ, ये बात भी है। और मैम एक यूट्यूब चैनल भी रन करती हैं, किस नाम से मैम आपका यूट्यूब चैनल? फूड एंड ट्रैवल विद अस। Food and Travels with us. Very good. Cooking channel. Cooking channel. Travel के भी है दोनों। Okay. तो cooking आप करते हैं या आप करती हैं? नहीं करती हूँ। Okay. तो cooking करते करते shoot भी करते हो? हाँ, शक्ल नहीं है। अच्छा, वैसे food. Okay. Very good. Taste भी करते नहीं ना ज़्यादा। तो आप जो आपकी recipe होती है वो South Indian, Indian कैसे? All. Very good. All region का। पहाड़ी भी बनाते हैं कुछ? हाँ, पहाड़ी भी आता है मुझे। उत्तराखंड का? मैंने नींबू चाट वगैरह बनाई थी। अच्छा, अरे वाह, नींबू चाट वो सीजन में। हाँ, गुड़ गुड़ के साथ ही। गुड़ के साथ ज्यादा टेस्टी होता है, चीनी के साथ तो उतना टेस्टी नहीं होता। नींबू का बनती भी है क्या? हाँ, बनती है। बड़े वाले नींबू का नींबू ही बोलते हैं, बड़ा नींबू होता है। और उसमें हालांकि वैरायटी काफ़ी है, गल बोलते हैं, पर नींबू वो बहुत टेस्टी, हम लोग भी बनाते हैं उसे। और हम लोगों में उसमें ये भी होता है, जैसे किसी का बुखार नहीं उतर रहा है तो उसको एक वो चटपटा खिला दो बना के, उसके बुखार उतर जाए। हाँ बिल्कुल, पर वो ऐसा ना कि उसको बना के रख नहीं सकते, वो उसी टाइम बनाना पड़ता, नहीं तो कड़वा हो जाता है। जी, बार बार खाएगा। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं दिलीप जी, तो एक बार हम उधर वाले घर पे बनाया था तो उसी टाइम वो भी आ गए, तो उन्हें भी खिलाया, वो बड़ा मजा आया उन्हें, क्या पूरी थकान उतर गई। पहाड़ी मसाले जकिया, जकिया का तड़का डालते हैं उसमें, भुना हुआ जकिया, वो थोड़ा क्रंची लगता है खाने में, बांग के बीज। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोशिश करेंगे कि पहाड़ी आइटम जो दाल दूल वगैरह हम लोग भी प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे। वो अच्छा लगता है। मैं तो वो भी बनाती हूँ, बटकी चुनकानी। अरे वाह, तो रेसिपी कहाँ से सीखी? मैं तो ऐसे ही खुद बना लेती हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। अरे आप तो कहोगे ही बढ़िया बनाते। मेरे दोस्त पहाड़ी तो मैंने उनको भी खिलाई है। ओके, तो वो भी बहुत बोल रही है, तो बहुत ही, हम भी नहीं बना पाते हैं। अरे बहुत बढ़िया। हाँ, यही बनाना किसी दिन। चलिए, बहुत अच्छा लगा। ओके, ऑल द बेस्ट। आ गए जी दोस्तों घर को, वापस पहुंच गए हैं ग्राउंड के पास। और देखिए, कम से कम आज 15 दिन हो गए उधर आग लगे हुए, और अभी भी देखिए आग है वहाँ पे। ये देखिए,
आग अभी तक है वहाँ पर। तो ये कोई मोटा पेड़ होगा, उस पर आग अभी तक सुलग रखी है। पहुँच गए घर पे और हो गई है कॉलिंग। ये देखिए कितने सारे डियर खड़े हैं। डर से नीचे को आ गए हैं। ये सारे डियर वापस आ रहे हैं वहाँ से, उस एरिया में टाइगर होगा, तो ये डर के अब नीचे को आ गए इस तरफ को जहाँ को लाइट लगी है हमारी। और तीन डियर इधर खड़े हैं, ये भी अलर्ट है। आजकल इसने यही टाइम पकड़ रखा है डेली 8:30 बजे का। फिर से हो गई है कॉलिंग। थोड़ी देर ऊपर ही बैठता हूँ। बहुत जबरदस्त कॉल है, शिकार पे अभी 100%। सारे हिरन इधर को भाग के आ गए। हाँ ये इस तरफ को आ गए, टूटे हुए घर के आसपास झाड़ियों की आवाज आ रही है इधर। कंटिन्यूस और इस तरफ को मौसम में ख़राब होने की आशंका है। बिजली चमक रही इधर। ये मौसम हो गया ख़राब, शायद रात तक बरसेगा ये। चलिए अब चलते हैं नीचे। बरसना शुरू हो गया जी, और आज हमारी इस छत की पहली रात होगी जो कि बरसात की, तो देखते हैं कि आज कैसा रहता है। और शायद तूफान भी काफ़ी तेज आने को हो रहा है इस तरफ से, तो मौसम काफ़ी घना बन गया। अभी स्टार दिख रहे थे, अब स्टार वगैरह सब दिखना बंद हो गया। इधर से बहुत तेज बारिश आ गई, बारिश के साथ साथ हवा भी है। आ गई बारिश, वेलकम द रेन। ये देखो टॉर्च की लाइट में कैसे दिख रही है। हमारा कुछ भीगने का आइटम तो बाहर है नहीं फिलहाल, आज बारिश हो गई और हमारा 3 बजेगा आज खूब जोर शोरों से 3 बजेगा। मोंटीपुरी का बैठने का सामान अंदर ले आते हैं, बिस्तर। बरस गया, बरस गया। अरे बड़ा ठंडी हवा लग रही है।
चल 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 मोंटे, बारिश आ गई, लेट्स गो, रन 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 रन। वाओ नाइस बारिश, बहुत टाइम से इंतजार था इस बारिश का। कैसी आवाज़ आ रही बारिश की, जो कि अभी हल्की बारिश है, तेज़ बारिश होगी तो बहुत तेज़ आवाज़ आएगी टीम की, पर उम्मीद है कि कहीं से टपकेगा नहीं। तूफान भी काफ़ी तेज है, हमारा इन्वर्टर वगैरह तो नहीं भीग रहा, काफ़ी तेज़ हवा है, देखिए पूरा पेड़ कैसा हो गया हवा से। बहुत जबरदस्त हवा, बहुत जबरदस्त, अभी चेक कर रहे हैं हम कि कहीं से टपक तो नहीं रहा, कहीं से तो नहीं टपक रहा। हमारी खिड़की से बाहर का व्यू है, अभी बिजली चमकेगी तो बाहर का पूरा व्यू दिखेगा आपको। वाओ